हड़प्पा की सभ्यता जी एक टॉपिक पढ़ा रही हाँ वो कंटिन्यूटी अगला टॉपिक लैके आई हाँ इकोनॉमिक लाइफ ठीक है हम अभी पहला पढ़ चुके हैं सोशल लाइफ फिर पढ़िया रिलीजियस लाइफ हम अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ इस तो बाद सिर्फ एक लास्ट है जो टॉपिक वो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जी है यह पतन किया हुआ डिकलाइन के की कारण से ठीक है सो इस तो बाद अभी नैक्सट वीडियो चो पढ़ा इस तो पहला अभी कदम कर रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ सो जिन्ना इंटरेस्टिंग सोशल लाइफ है उसको चार गुना इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक लाइफ है कि आखिरकार ये लोग की करते थे इन्हों का काम जरा वो कि चलता से ठीक है सो सब तो पहला आता है एग्रीकल्चर जिसे भी जो की करते खेतीबाड़ी करते सो खेतीबाड़ी के हर तरह की फसल बीजा जाता है कनक सी चावल सके और खास करके कपास भी इस समय के लिए जी बीजी जाती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दाला सब्जियां हर तरह दीजिया जा फिर फसलों को बीजन के लिए पानी की लोड़ है फिर पानी कितों लेते जो कहते सिंचाई करना इरीगेशन कितों करते या तो बारिश से डिपेंड करते या फिर वो नदियों से डिपेंड करते क्योंकि ज्यादातर एरिया जो मिले नदियों के आले दुआले मिले है और उपजाऊ एरिया मिले है ठीक है लेकिन जो नदियां भी नहीं फिर कितों करते फिर असं यह अंदाजा लगाते हैं कि वह की करते जो बारिश होती थी पानी इकट्ठा कर लेते पौंड बना लेते छोटे छोटे फिर वो अपने खेतों की सिंचाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यह जानना कि वह लोग जो खेतीबाड़ी करते और अपने खेतों के जोड़े बल्द है उन्होंने भी प्रयोग करते होंगे राजस्थान के लिए सू इस चीज के लिए सबू निशान मिले सो खेतीबाड़ी उन्होंने एक मेन काम से और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह लोग जोड़े से खेतीबाड़ी के उत्ते डिपेंडेंट से लेकिन इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वो है कैटल ब्रीडिंग पशु पालन तो पशु भी पालते थे और देखो पशु पालना तो बहुत जरूरी है सब कुछ चीजा बहुत जरूरी चाहिए जिम्मे कि दुध पशु पालन का मेन काम की दुध प्राप्त करना दुध दही पनीर मक्खन सारा कुछ घर ही बनता से घ्यो यह हर चीज क्लीयर हो चुकी है उन्होंने इस तो अलावा पशु पालन करते होंगे खेतों के प्रयोग करने लिए घर की रखवाली करने के लिए यह सारा पशु पालन उस दौरान इसलिए किया जाता है सो दूसरा उन्होंने मेन काम की है पशु पालन पशुओं की लोड़ खेतीबाड़ी पैनी ही है जो खेतीबाड़ी करते हैं तो पशु पालन जो उन्होंने करना ही है तीसरा पॉइंट है ट्रेड एंड कॉमर्स उन्होंने व्यापार के बारे की व्यापार कितने कितने होता देखो यह दस्या गया है कि जी सभ्यता है मिस्र बेबीलोन की सभ्यता के बराबर मनी गई है वह सब तो प्राचीन सभ्यता जड़ी बड़िया ही डिवेलपड सभ्यता सिविलाइजेशन बनिया गई है सो जे वो लोग व्यापार करते तो यह भी लोग जो अपना व्यापार करते अफगानिस्तान ईरान के व्यापार चलता और सानू जी एक बंदरगाह मिली है लोथल तो मैं तुम मैप कराया मैं तुम्हें दसिया भी कि बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है बंदरगाह मतलब जितने शिप्स जाकर रुकते हैं व्यापार करने के लिए जी जितने फाइनली जी डेस्टिनेशन होंगी है जितने शिप बड़े बड़े शिप रुकते हैं जाके सो वह बंदरगाह सानू लोथल तो मिली है सो उन तो पता लगता है कि यह जो व्यापार है विदेशों के नाल समुद्री रस्तिया राही होंदा सी फिर असं कहते हैं भारत की खोज तो बड़ी लेट हुई है 1498 हुई है वास्को डी गामा आया तो भारत लभ्या यह लोग तो पहला तो ही दूसरे देशों के नाल व्यापार करते पे ठीक है सो ट्रेड एंड कॉमर्स पहला तो ही सैटल सीगा व्यापार चल रहा सीगा सिर्फ विदेशों के नाल ही शायद अपने देश के भी व्यापार चलता सीगा एक दूजे तो समान मंगाते इस चीज की गरंटी है क्योंकि सेम चीजा सानू जो हड़प्पा तो मिलनी है उही चीजा सानू राखी कड़ी तो मिलनी है मैं तुम्हें दसिया नॉर्थ पॉइंट केड़ा साउथ केड़ा ईस्ट केड़ा वेस्ट केड़ा ते हर जगह तो जो सेम चीज मिलती है मतलब कि व्यापार इन्हों का आपस च कि दूर तक फैलिया हुआ है ऐसा तो नहीं हो सकता मैं अपने घर कोई बह के चीज बना रही है तो 1000 किलोमीटर दूर भी सेम चीज बननी हो ही बनूंगी जो वह व्यापार किया जाए ठीक है नहीं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा जे अभी वह चीज किसी को भेजा तो देख के ही कोई लोग कॉपी करेंगे सो जो ये सारी चीजा मिलती जुलती मिली है ना फिर सू पता लगता है कि व्यापार जोड़ा है बहुत दूर दूर तक इन्हों का फैलिया हुआ ठीक है और अगला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है वेट्स एंड मेजरमेंट्स भार कि तोलते नाप लेते ठीक है सो सानू भार तोलन के लिए पता लगा कि उन्होंने 16 इकाइया डिवीजन कितना 1 2 4 8 16 32 हम तुम कहोगे की है हम मैं तुम दस दी भार कि तोलते असं जो कोई चीज खरीदा चाहते अभी कहते 1 किलो लो मिनिमम 1 किलो का वड्डा सब तो छोटा मनिया जाता उस तो छोटे नहीं है मैं तुम दस जिम्मे ग्रामा 100 ग्राम है 50 ग्राम है 200 ग्राम
ग्राम है, 500 ग्राम है, लेकिन बट्टिया की मेजरमेंट रखी हुई है भार तोलन वाले, ठीक है। सो एक किलो जो अभी समान लेते हैं साना एक किलो का बट्टा रख देते हैं, पर अगर 6 किलो समान लेना हो तो 6 किलो का बट्टा होता है नहीं होता, कहता होता है एक 5 किलो का होता है, एक 1 किलो का होता है, तो 6 किलो समान लेते हैं। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਛੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੋਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਪੋਟਰੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਰੀ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੋਟਰੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੈੱਡ ਪੋਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਲੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੀਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਸੀਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਉਸ ਸੀਲ ਨੂੰ, ਟੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਖੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲਿਪੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਰਾਊਂਡ 3500 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1200 ਫਿਰ 1500 ਫਿਰ 2000 ਤੋਂ 3500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੀਲਸ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਕੁਛ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ, ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਭ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੋਹਰਾਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਲਪਚਰ, ਯਾਨੀ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੈ ਪੱਥਰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ, ਦੇਖੋ ਬੀਅਰਡ ਮੈਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਇਹ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
और ये खास की गल है इन कितने भी इन्हें जोड़ नहीं है और मूर्ति कितनी है यह सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की मूर्ति मनते हैं फिर कैलकुलेशन दसी है ना समटाइम्स उपर थले हो जाती है हो सकता है कि कई जगह से कुछ होर लिखे हो कई जगह से कुछ होर लिखा चार के इंच की मूर्ति मनते हैं चार तो छे अलग अलग जगह के साइज दिता होंगे पर 4.1 इंच मनते हैं छोटी जी मूर्ति है एक मैटल की मिली है सानू और कितने भी उसके विच कोई जोड़ नहीं है यह उस समय की टेक्नीक है कि इतनी बढ़िया मूर्ति उन्होंने बनाई फिर यह सारिया चीजा कि असर कर रही है उन्होंने आर्थिक जीवन के उत्ते जो उन्होंने जीवन जीना है तो उन्होंने खेतीबाड़ी करनी पैनी क्योंकि उन्होंने भोजन चाहिए पशु पालन करना चाहिए है क्योंकि उन्होंने दुध भी चाहिए तो उन्होंने कोई रक्षा भी करे ट्रेड एंड कॉमर्स दूसरे देशों को समान मंगाएंगे अपना बेचेंगे ये भी उन्होंने आर्थिक जीवन है उसके अलावा जो चीजा बेचेंगे तो भारत वगैरह भी देखेंगे फिर उसके अलावा इंडस्ट जरा अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजा चाहिए किसी को बर्तन चाहिए है किसी को घर के लिए सजावट की चीजा चाहिए है किसी को मूर्तियां चाहिए यह सारा कुछ की है उन्होंने आर्थिक जीवन और मैं तुम्हें इनका लास्ट गल इंपोर्टेंट जरूर दसन लगी हाँ कि जो भी सोशल लाइफ में समाजिक जीवन असं की खाते हाँ की पहनते हैं साढ़े की रीति रिवाज है घर च कि लोग है साढ़े मनोरंजन के की साधन है औरतों की स्थिति है ये कि चीज का सारा सोशल लाइफ जो अभी रिलीजियस लाइफ लिखनी फिर अभी किस धर्म को मनते हैं किन्ने धर्म चलते पे उस टाइम सब का अलग अलग ही तरीका उन्होंने लिखना धार्मिक जीवन च रिलीजियस लाइफ जे असं लिखते हैं इकनोमिक लाइफ इकनोमिक अर्थव्यवस्था इतने तुम्हें अंदाजा लगा लेना कि पैसे की गल करनी है सो जो अजकल हर चीज पैसे के उत्ते डिपेंड है खेतीबाड़ी करा तो कणक बेचा तो पैसे आऊंगे पहला ऐसा नहीं होंगे पहला आदान प्रदान होंगे बार्टर सिस्टम कि जे मैं अपने घर के कणक बीजी है तो मैं दूसरे तो चौल लेने तो कणक देनी है एक ही है आर्थिक जीवन जिद सा जीवन चलता पाया तुम पुरानी फिल्मों छो तुम नवी फिल्म देखो अंग्रेजी फिल्म देखी है वो एक गाने पिछले अपना कुर्ता समान चलता है तो बदले च दर्जी को भी दिता है अपने घर चली हुई की है सो एक है बार्टर सिस्टम है ठीक है तो जो आर्थिक जीवन है ना जिद कुछ चीजा चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए तो जी बेच रहे हैं वो सारा कुछ के लिखना आर्थिक जीवन और लास्ट है राजनीतिक जीवन लास्ट नहीं है दो होर है पर अभी सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं पढ़ते राजनीतिक जीवन के दसना है कि समाज कि चल रहा है सरकार कि है मंत्री किड़े है लगान कि कट्ठा करते हैं तो खर्चा कि चलाते हैं तो जोड़ा कल्चर हों सा सभ्याचार वे असं यह दसना हों कि कितना के लोग है कितना की सोसायटी है कि चीज़ों मनते हैं उन्होंने उन्होंने संगीत है साहित्य है वह सारा कुछ अभी लिख सकते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे होते हैं तो जी पहली सभ्यता है ना सिंधु घाटी की सभ्यता ये असं तीन चीज़ा ही पढ़ते हैं ठीक है इन बार बार देखो और एक बार तुम पूरा ही लिख लेंगे ना उसके बाद शायद उस खोलने की जरूरत ना हो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है थैंक यू सो मच